समान जानकी का रूप धारण किया है, इसलिए आज के बाद तुम मेरी मां के समान हो। भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रियतम ये क्या हो रहा है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सुनो प्रिय, सुनो। अरे प्रिय सुनो, मुझे विश्वास है छोटे भाई हो, उत्तर बहुत अच्छा लाओगे। अवका बहुत बढ़िया। अरे प्रिया अप्रिया किया ये काम, सुनील भैया एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। प्रिया अप्रिया किया ये काम, अरे मेरे माता पिता है सिया जानकी का रूप धारण किया और मेरे परम पिता परमात्मा पर तुमने शंका जाहिर की कि ये ब्रह्म नहीं है बल्कि ये मनुष्य है, इसलिए कहा भगवान भोलेनाथ ने तक्षयज्ञ में, अरे तक्षसुता में थी मैंने तक्षता निहारी। जब तुम्हारे मेरे विवाह की चर्चा चली तो तक्षयज्ञ में थी, अरे तक्षसुता में थी मैंने तक्षता निहारी, अरे तभी तुम बनी थी, तभी तुम बनी थी अर्धांगनी हमारी। समझो उस समय जिस समय तुम मेरी अर्धांगनी बनी थी, उस समय पहली बार मेरी तेरी, पहली बार मेरी तेरी अरे मिल जब नजर गई, पहली बार मेरी तेरी अरे मिल जब नजर गई, उस समय तू दिल में उतर गई, दिल में उतर गई। और आज सीता बनी तो दिल से उतर गई। मामले को समझिए, एक ही बात है बहन जी, होगा पहली बार तेरी मेरी अरे मिल जब नजर गई, तब तब दिल में उतर गई, आज दिल से उतर गई। अरे दिल में उतर गई आज दिल से उतर गई।
सबसे ज्यादा चाहता हूँ, सुमित्रा से ज्यादा, कौशल्या से ज्यादा, मेरे मान में कमी हो तुम। लेकिन आज दुखी क्यों कर रही तू वर्तमान? अरे दुखी क्यों कर रही है ये वर्तमान? कहा मारा दशरथ ने, समय दृष्टि वाली के कई, तू तो भरत से ज्यादा राम को चाहती थी। अरे समय दृष्टि वाली के कई कहां खो गई हो? अरे समय दृष्टि वाली के कई कहां खो गई है वो ममता तेरे मंदिर की कहां से गई? रथ की चकील गिर गई, जब मेरे रथ के पहिया की चकील गिर गई तो कह गई, तूने मेरे प्राण बचाने के लिए, रण जिताने के लिए चकील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी, और जब तूने उंगली लगाई और मैंने विजय प्राप्त की और देखा मैंने वो दृश्य, तो लगा, अरे उंगली लगा के रथ में, उंगली लगा के रथ में, उंगली लगा के रथ में हद से गुजर गई। अरे उंगली लगा के रथ में तू हद से गुजर गई, तब तब तू दिल में उतर गई। वो आज राम को वनवास मांग के उस समय दिल में उतर गई, आज दिल से उतर सुन के गई। अरे उंगली लगा के रथ में तू हद से गुजर गई, तो दिल में उतर गई, आज दिल से उतर पैदा कर
नहीं बहा देगी। तो शांतनु ने टोक दिया और कहा, अरे गंगा तू गंगा तट पे, जब मैंने पहली बार तुझे देखा, गंगा तू गंगा तट पे, अरे जादू सा कर गई तब, तब दिल में उतर गई आज, दिल से उतर जी पीछे पीछे शाम को पहुंच गए। आधी रात का समय था, आधी रात का समय था, दुल्हन के कक्ष में अपनी हाजिर हुए और जब रत्नावली ने देखा तो ताना मार दिया कि जितना मन तुम हम पे लगा रहे हो, अगर प्रभु परमात्मा पे लगाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अरे रत्ना, जब इतनी बात सुनी तुलसीदास जी ने तो भाई रत्ना, अरे रत्ना रत्ना रहे अब तुलसीदास, अरे रत्ना अब तेरे ऊपर रत नहीं रह गए तुलसीदास, क्योंकि अब ना आऊं कभी मैं तेरे से उतर।